1816 दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड की याचिका सुनवाई का इंतजार कर रही है। इस याचिका में कहा गया है कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, क्योंकि कौन चंदा दे रहा है उसका नाम सार्वजनिक नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने भी ये कहा कि यह कानून अवैध है, क्योंकि राज्यसभा में इस पर बहस नहीं हुई। इसे मनी बिल के जरिए पास किया गया। जनवरी 2018 में यह कानून पास हुआ। चीफ जस्टिस SA बोबडे की कोर्ट में आखिरी बार सुनवाई हुई थी। 30 महीने से इस केस में भी सुनवाई नहीं हुई है। इसी प्रसंग में आर्टिकल 14 के रिपोर्टर सौरभ दास ने जस्टिस रमना के एक लेक्चर का हिस्सा कोट किया है। वो कहते हैं कि नागरिकों को जब पता होगा, तभी वह कानून के राज को और मजबूत करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जरूरत पड़ने पर न्याय की मांग करेंगे। इस कानून के संदर्भ में खोजी पत्रकारों ने बताया था कि चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने इस कानून का विरोध किया था। कहा था कि इससे गलत परंपरा बनेगी, इसका दुरुपयोग होगा और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह केस पहली बार चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में लिस्ट हुआ, दूसरी बार चीफ जस्टिस SA बोबडे की अदालत में सुना गया। उसके बाद से सुनवाई ही नहीं हुई। इस मामले में भी 25 अप्रैल को प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस रमना से आग्रह किया कि इस पर सुनवाई हो, तो वही जवाब मिला, हम इसकी सुनवाई करेंगे, मगर सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने से सुनवाई नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद सरकार ऐसा कानून लाती ही नहीं, जिससे नागरिकों को पता ही न चले कि हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला कौन है। इसी 1 अगस्त की रिपोर्ट है कि अभी तक करीब 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं। 10,000 करोड़ रुपए के। RTI से इसकी जानकारी बाहर क्यों आती है? वह भी केवल राशि की आती है, करोड़ों का बॉन्ड खरीदने वाले का नाम कभी सामने नहीं आता। क्या आप जानना ही नहीं चाहते कि कौन है जो छिपकर हजारों करोड़ रुपए का चंदा किसी एक राजनीतिक पार्टी को दे रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?